हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड भाई सामने आप देख सकते हो अपनी न्यू होंडा साइन 100। आप यहां पे देख सकते हो साइन होंडा एंड डिज़ाइन से आप पहचान गए होगे साइन 100 बाइक है हमारी। तो भाई आज इस वीडियो में हम इस बाइक का राइड रिव्यू करने वाले हैं कि बाइक को चलाने में कैसा फील होता है एंड क्या कुछ चीज़ें हमें इस बाइक में दूसरी बाइक से बेहतर मिल जाती है, किन चीज़ों में बाइक में हमें इस एंड किन चीज़ों में हमें कमी फील होती है इस बाइक के अंदर। तो अभी बाइक को चलाते हैं थोड़ा एंड बताता हूं मैं आप लोगों को कि भाई किस किस चीज़ में बाइक अच्छी है एंड किस चीज़ों की कमी आप लोगों को फील होने वाली है इस बाइक को लेने के बाद। तो भाई जैसे हम बाइक को चला रहे हैं, बाइक काफ़ी स्मूथ चल रही है, जैसी लगभग सभी होंडा बाइक्स चलती है, काफ़ी स्मूथ चलती हैं बाइक्स। स्मूथनेस के मामले में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा मुझे फील हुआ है इस बाइक को चला के, मैं थोड़ा और भी चला चुका हूँ इस बाइक को, तो जैसा मुझे एक चीज़ फील हुई है इस बाइक में कि यार बाइक काफ़ी लाइट वेट है, मतलब बहुत ही कम वेट है बाइक के अंदर। तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार अगर तेज़ हवा चल रही होती है तो बाइक हवा के साथ इधर उधर अपना भाई दिशा बदलने की कोशिश करती रहती है कि मैं हवा के साथ मैं भी उधर ही चली जाऊँ। तो यार इस चीज़ की कमी तो आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। अगर कभी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी तो शायद आपको बाइक डिसबैलेंस होने का खतरा बना रहेगा भाई। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग में। एंड दूसरी चीज़ कि भाई जैसे हम बाइक को चला रहे हैं तो काफ़ी होंडा की जो और बाइक्स चलाई है मैंने उनके कंपैरिजन में यार इस वाली बाइक के अंदर मुझे एक चीज़ और फील होती है कि ये यार बाइक, भाई मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, अगर आप में से किसी बाइक के पास है साइन 100 या फिर कोई भाई परचेज़ करने का प्लान कर रहा है, प्लान करने वाले के पास भाई है नहीं तो वो नहीं बता सकता, अगर किसी के पास है तो ये चीज़ मुझे बताना कि यार इस बाइक को जैसे हम चलाते हैं तो मतलब ऐसा फील होता है कि बाइक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। एक्चुअली भाई मुझे ये चीज़ फील हो रही है अभी बाइक को चलाते टाइम। 50-60 की स्पीड पे चला रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है मैं बहुत हाई स्पीड में बाइक को चला रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ फील होती है कि भाई बाइक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो भाई ये चीज़ दो चीज़ मैंने आपको बता दी। एंड एक चीज़ मेन चीज़ ये आ जाती है कि यार ये जो बाइक का टैंक है, आप एक बार टैंक को देख सकते हो यार, मतलब काफ़ी पतला सा टैंक दिया हुआ है यार, तो ये थोड़ा अजीब सा फील करवाता है यार। अगर इसकी डिज़ाइन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिया हुआ तो थोड़ा सा ऊपर भी होता एंड थोड़ा सा साइड में भी बढ़ा दिया जाता अगर इसको, तो शायद ये बाइक के लुक के साथ साथ हमें भी मतलब थोड़ा ऐसे अच्छा फील करवाता कि हाँ सही में यार कुछ बहुत बेहतर चीज़ हम चला रहे हैं इस सेगमेंट की। लेकिन भाई प्राइस सेगमेंट काफ़ी सही है बाइक का, वैसे तो 100 cc सेगमेंट में भाई इससे थोड़ी सस्ती बाइक भी हमें मिल जाती है किसी कंपनी की, कुछ बाइक्स हमें महंगी भी मिल जाती है, लेकिन इंजन रिलायबिलिटी मुझे लगता है इस बाइक की काफ़ी बेहतर होने वाली है। लेकिन राइड क्वालिटी के मामले में जैसा मैंने आपको बताया कि यार लाइट वेट होने के कारण बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा ये बाइक का ये जो सामने वाला पार्ट है यहाँ से, यार ये मेरे को ऐसा फील होता है ये थोड़ी सी आवाज़ कर रहा है, जैसा पहले अपने को स्प्लेंडर प्लस में मिलता था ये प्रॉब्लम की आवाज़ करने लग जाती थी बाइक यहाँ से, तो इस बाइक में मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि आवाज़ कर रही है। उसके अलावा भाई आराम से आप बाइक को इधर उधर मूव कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी लाइट वेट बाइक है तो आप बाइक को उठा के भी रख सकते हो साइड में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मूवमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। लेकिन जैसे ही हैवी व्हीकल्स को आप ओवरटेक करोगे या कोई हैवी व्हीकल आपको हाईवे पर ओवरटेक करके जाएगा तो आपको डिसबैलेंस होने का खतरा भाई डेफिनेटली रहेगा इस बाइक के साथ। तो उस चीज़ को भाई बिल्कुल नोटिस करके रखना अपने दिमाग के अंदर कि ये चीज़ की प्रॉब्लम आप लोगों को 100% फेस करनी पड़ेगी भाई, बिकॉज बाइक के जो टायर है टायर भी काफ़ी ज़्यादा वाइड नहीं दिए गए हैं, नॉर्मल से टायर दिए गए हैं एंड बाइक भी काफ़ी लाइट वेट दी गई है। एंड बाकी जो स्विच वगैरह हैं काफ़ी कॉमन से, मतलब बेसिक से स्विच वगैरह दिए गए हैं सब चीज़ों के, तो ये भी हमें बिल्कुल यार एक बेसिक बाइक की सी फील करवाता है। पहली होंडा की यार ऐसी बाइक मैं चला रहा हूँ एक्चुअल में जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेसिक लग रही है, वरना भाई होंडा की मोस्टली बाइक जो भी मैंने चलाई है काफ़ी प्रीमियम बाइक्स लगती है वो मुझे चलाने में, इस वाली बाइक में लेकिन यार वो वाली फील देखो मुझे एक्चुअल में नहीं आ रही है। तो भाई देख लेना अगर आप परचेज़ करने का प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो भाई। लेकिन प्राइस सेगमेंट भाई बहुत सही है इस बाइक का, बिकॉज जिस बाइक के कंपटीशन में ये बाइक निकली है उससे यार लगभग 15,000 रुपये सस्ती ये बाइक हमें मिल जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है भाई। तो उन चीज़ के मामले में काफ़ी सही है प्राइस सेगमेंट बाइक का, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड बाकी वैसे चलाने में स्मूथनेस तो भाई है, एक्चुअल में मुझे स्प्लेंडर प्लस से ज़्यादा अच्छी स्मूथनेस बाइक में लग रही है चलाने में।
उसके अलावा तो भाई ऐसा कुछ खास मुझे लग नहीं रहा बाइक में बताने लायक, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें दिख रही है सामने, आपको बहुत ही बेसिक सा लगता होगा चलाने में, एंड एक्चुअल में मैं खुद कैसा लग रहा हूँ इस बाइक को चलाते टाइम वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी साइड से एक वीडियो शूट करके खुद को देखने वाला हूँ कि यार एक्चुअल में लगता कैसा है बाइक को चलाते टाइम दूसरी साइड से कोई लोग देखते हैं, तो वो चीज़ के लिए भी मैं आपके पास आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा कि एक्चुअल में बाइक कैसा लगता है, क्योंकि खुद चला रहे हैं तो खुद को साइड से नहीं पता बाइक की कैसा लग रहा है, तो उस चीज़ के लिए एक शॉर्ट वीडियो भी हम ज़रूर बनाएंगे। बाकी भाई राइड रिव्यू में इससे ज़्यादा कुछ मैं कहना भी नहीं चाहूँगा, जो भी चीज़ मुझे इस बाइक के साथ फील हुई वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। अब बात करें बाइक की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो उसके लिए मैं वीडियो बहुत ही जल्दी अवेलेबल करवाने वाला हूँ जिसके अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बाइक से रिलेटेड पता चलने वाली है, तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।